ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಭೂಕಂಪ ಆಯೆ, ಭೂಸ್ಖಲನ ಹುಯೆ, ಅಭಿ ಅಭಿ पिछले 10 दिनों में ही देश ने फिर दो बड़े साइक्लोन्स का सामना किया. पश्चिमी तट पर साइक्लोन ताउते और पूर्वी कोस्ट पर साइक्लोन यास. इन दोनों चक्रवातों ने कई राज्यों को प्रभावित किया है. देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जानहानि सुनिश्चित की. हम अभी अनुभव करते हैं कि पहले के वर्षों की तुलना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा पा रहे हैं. विपदा के इस कठिन और असाधारण परिस्थिति में साइक्लोन से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है, मैं आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक सभी नागरिकों की सराहना करना चाहता हूं. जिन लोगों ने आगे बढ़कर राहत और बचाव के कार्य में हिस्सा लिया, ऐसे सभी लोगों की जितनी सराहना करें उतनी कम है. मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं. केंद्र, राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन सभी एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करने में जुटे हुए हैं. मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है. हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है. मेरे प्यारे देशवासियों, चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है. देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवाभाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है. हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं. इस सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है. मुझसे मन की बात के कई श्रोताओं ने नमो ऐप पर और पत्र के द्वारा इन वॉरियर्स के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है. साथियों, जब सेकेंड वेव आई, अचानक से ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई तो बहुत बड़ा चैलेंज था. मेडिकल ऑक्सीजन का देश के दूर सुदूर हिस्सों तक पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी. ऑक्सीजन टैंकर ज्यादा तेज चले, छोटी सी भी भूल हो तो उसमें बहुत बड़े विस्फोट का खतरा होता है. इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले काफी प्लांट देश के पूर्वी हिस्सों में हैं, वहां से दूसरे राज्यों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कई दिन का समय लगता है. देश के सामने आई इस चुनौती में देश की मदद की क्रायोजेनिक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर्स ने, ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने, एयरफोर्स के पायलट्स ने, ऐसे अनेकों लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करके हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया. आज मन की बात में हमारे साथ ऐसे ही एक साथी जुड़ रहे हैं, यूपी के जौनपुर के रहने वाले श्रीमान दिनेश उपाध्याय जी. दिनेश जी नमस्कार. सर जी प्रणाम. सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप जरा अपने बारे में हमें जरूर बताइए. सर हमारा नाम दिनेश बाबुलनाथ उपाध्याय है. मैं गांव हसनपुर पोस्ट जमुआ जिला जौनपुर का निवासी हूं सर. उत्तर प्रदेश से हैं? हाँ सर जी. और सर हमारा एक लड़का है, दो लड़की और औरत और माँ बाप. और आप क्या करते हैं? सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ सर, लिक्विड ऑक्सीजन का. बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है? हाँ सर, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं दोनों, और मेरा लड़का भी पढ़ रहा है सर. ये ऑनलाइन पढ़ाई भी ठीक से चलती है उनकी? हाँ सर, अच्छे ढंग से कर रहे हैं. अभी बच्चियाँ हमारी पढ़ रही हैं, ऑनलाइन में ही पढ़ रही हैं सर. सर 15 से 17 साल हो गया सर मैं ऑक्सीजन का टैंकर चलाता हूँ सर. अच्छा, आप ये 15-17 साल से सिर्फ ऑक्सीजन लेके जाते हैं तो सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं है आप, एक प्रकार से लाखों का जीवन बचाने में लगे हैं.
सर हमारा काम ही ऐसा है सर ऑक्सीजन टैंकर का कि हमारी जो कंपनी है आयनोक्स कंपनी वो भी हमारा लोग का बहुत ख्याल करती है और हम लोग कहीं भी जाके ऑक्सीजन खाली करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है सर। लेकिन अभी कोरोना के समय में आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। हाँ सर बहुत बढ़ गई है। जब आप अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपके मन में क्या भाव होता है, पहले की तुलना में क्या अलग अनुभव? काफी दबाव भी रहता होगा, मानसिक तनाव रहता होगा, परिवार की चिंता, कोरोना का माहौल, लोगों की तरफ से दबाव, मांगे, क्या कुछ होता होगा? सर हमें कोई चिंता नहीं होता, हमें खाली यही होता है कि मैं अपना जो कर्तव्य कर रहा हूँ सर जी वो हम टाइम पे लेके अगर हमारे ऑक्सीजन से किसी को अगर जीवन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत उत्तम तरीके से आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो। अच्छा ये बताइए, आज जब इस महामारी के समय लोग आपके काम के महत्व को देख रहे हैं जो शायद पहले इतना नहीं समझा होगा, अब समझ रहे हैं, तो क्या आपके और आपके काम के प्रति उनके नजरिए में परिवर्तन आया है? हाँ सर जी, अभी पहले हम ऑक्सीजन के ड्राइवर कहीं भी जाम में इधर उधर फंसे रहते थे लेकिन आज के डेट में प्रशासन ने भी हमारा लोग का बहुत हेल्प किया और जहाँ भी हम जाते हैं हम भी हमारे अंदर से एक जिज्ञासा आती है हम कितने जल्दी पहुँच के लोगों की जान बचाएं सर, चाहे खाना मिले चाहे न मिले कुछ भी दिक्कत हो लेकिन हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं जब टैंकर लेके और देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले हम लोग को वी का इशारा करते हैं, उनके फैमिली लोग जिसके घर वाले एडमिट होते हैं। अच्छा विक्टरी का भी बताते हैं? हाँ सर वी बताते हैं, कोई अंगूठा दिखाता है, हमको बहुत तसल्ली आती है हमारे जीवन में कि हमने कोई अच्छा काम जरूर किया है जो मुझे ऐसा सेवा करने का अवसर मिला है सर। सारी थकान उतर जाती होगी। हाँ सर हाँ सर। तो घर आकर के बच्चों से बातें बताते हो आप सब? नहीं सर, बच्चे तो हमारे गांव में रहते हैं, हम तो यहाँ आयनोक्स एयर प्रोडक्ट में मैं ड्राइवरी करता हूँ, 8-9 महीने के बाद तब घर जाता हूँ। तो कभी फोन पे बच्चों से बात करते होंगे तो? हाँ सर बराबर होता है। तो उनके मन में रहता होगा पिताजी जरा संभालिए ऐसे समय? सर जी वो लोग बोलते हैं पापा काम करो लेकिन अपने सेफ्टी से करो और हम लोग सर सेफ्टी से काम करते हैं, हमारा मानगांव प्लांट भी है और आयनोक्स बहुत हमारा लोग का हेल्प करता है। चलिए दिनेश जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर के और देश को भी लगेगा कि इस कोरोना की लड़ाई में कैसे कैसे किस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। आप 9-9 महीने तक अपने बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, परिवार को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ लोगों की जान बच जाए। जब ये देश सुनेगा ना देश को गर्व होगा कि लड़ाई हम जीतेंगे क्योंकि दिनेश उपाध्याय जैसे लाखों लाखों ऐसे लोग हैं जो जी जान से जुटे हुए हैं। सर जी हम लोग कोरोना को किसी ना किसी दिन जरूर हराएंगे सर जी। चलिए दिनेश जी आपकी ये भावना यही तो देश की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी और आपके बच्चों को मेरे आशीर्वाद कहिएगा। ठीक है प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। साथियों जैसा कि दिनेश जी बता रहे थे वाकई जब एक टैंकर ड्राइवर ऑक्सीजन लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो ईश्वर के भेजे गए दूत ही लगते हैं। हम समझ सकते हैं कि ये काम कितनी जिम्मेदारी का होता है और इसमें कितना मानसिक दबाव भी होता है। साथियों चुनौती के इसी समय में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतीय रेल भी आगे आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑक्सीजन रेल ने सड़क पर चलने वाले ऑक्सीजन टैंकर से कहीं ज्यादा तेजी से कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देश के कोने कोने में पहुंचाई। माताओं बहनों को यह सुनकर गर्व होगा कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस तो पूरी तरह महिलाएं ही चला रही है। देश की हर नारी को इस बात का गर्व होगा। इतना ही नहीं हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। मैंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एक लोको पायलट शिरीषा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। शिरीषा जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत ठीक हूँ। शिरीषा जी मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही हैं और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। शिरीषा जी आप बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है।
आप भी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन देश जानना चाहेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। सर मुझको मोटिवेशन मेरा फादर मदर भी है सर। मेरा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। एक्चुअली आई एम हैविंग टू एल्डर सिस्टर्स, वी आर 3 मेंबर्स लेडीज ओनली, बट माय फादर गिविंग वेरी एंकरेज टू वर्क। माय फर्स्ट सिस्टर डूइंग गवर्नमेंट जॉब इन बैंक वर्क एंड आई एम सेटल्ड इन रेलवे। माय पेरेंट्स ओनली एंकरेजिंग मी। अच्छा सिरसा जी, आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएं दी है, ट्रेन को स्वाभाविक चला है, लेकिन जब ये एक तरफ ऑक्सीजन की इतनी मांग और जब आप ऑक्सीजन को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा, थोड़ी और जिम्मेवारी होगी। सामान्य गुड्स को ले जाना अलग बात है, ऑक्सीजन तो बहुत ही डेलिकेट भी होती है चीजें, तो क्या अनुभव आता था? मैं हैप्पीली फील किया ये काम करने के लिए। ऑक्सीजन स्पेशल देने के टाइम में सभी देखी सेफ्टी का वाइज, फॉर्मेशन वाइज एनी लीकेज है। नेक्स्ट इंडियन रेलवे भी सपोर्टिव है सर, ये ऑक्सीजन चलाने के लिए मुझको ग्रीन पाथ दिया। ये गाड़ी चलाने के लिए 125 किलोमीटर 1.5 आवर में रीच हो गया। इतना रेलवे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, मैं भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर। वाह, चलिए सिरसा जी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपके पिताजी माताजी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ जिन्होंने तीनों बेटियों को इतनी प्रेरणा दी और उनको इतना आगे बढ़ाया और इस प्रकार का हौसला दिया है। और मैं समझता हूँ ऐसे माँ बाप को भी प्रणाम और आप सभी बहनों को भी प्रणाम जिन्होंने इस प्रकार से देश की सेवा भी की और जज्बा भी दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आपका ब्लेसिंग चाहिए सर। बहुत परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। साथियों हमने अभी सिरसा जी की बात सुनी, उनके अनुभव प्रेरणा भी देते हैं, भावुक भी करते हैं। वास्तव में ये लड़ाई इतनी बड़ी है कि इसमें रेलवे की ही तरह हमारा देश जल थल नभ तीनों मार्गों से काम कर रहा है। एक और खाली टैंकर्स को एयरफोर्स के विमानों द्वारा ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंचाने का काम हो रहा है, दूसरी ओर नए ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी पूरा किया जा रहा है। साथ ही विदेशों से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और क्रायोजेनिक टैंकर्स भी देश में लाए जा रहे हैं। इसलिए इसमें नेवी भी लगी, एयरफोर्स भी लगी, आर्मी भी लगी और DRDO जैसी हमारी संस्थाएं भी जुटी हैं। हमारे कितने ही वैज्ञानिक, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियन भी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इन सब के काम को जानने की, समझने की जिज्ञासा सभी देशवासियों के मन में है। इसलिए हमारे साथ हमारी एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन पटनायक जी जुड़ रहे हैं। पटनायक जी जय हिंद। सर जय हिंद। सर मैं ग्रुप कैप्टन AK पटनायक हूँ, वायुसेना स्टेशन हिंडन से बात कर रहा हूँ। पटनायक जी, कोरोना से लड़ाई के दौरान आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, दुनिया भर में जाकर के टैंकर लाना, टैंकर यहाँ पहुंचाना। मैं जानना चाहूंगा कि एक फौजी के नाते एक अलग प्रकार का काम आपने किया है, मरने मारने के लिए दौड़ना होता है, आज आप जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? सर इस संकट के समय में हमारे देशवासियों को मदद कर सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का काम है सर। और ये जो भी हमें मिशन्स मिले हैं हम बखूबी से उसको निभा रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग और सपोर्ट सर्विसेज जो है हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है सर, इसमें जो हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो बहुत ही हाई लेवल पे है और इसी की वजह से हम कंटिन्यूअस ऑपरेशंस कर पा रहे हैं। कैप्टन आप इन दिनों जो जो प्रयास किए हैं और वो भी कम से कम समय में सब कुछ करना पड़ा है, उसमें अभी इन दिनों क्या रहा आपका? सर पिछले एक महीने से हम कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन टैंकर्स और लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर्स डोमेस्टिक डेस्टिनेशन और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन दोनों से उठा रहे हैं सर। करीब 1600 सॉर्टी से ज्यादा एयरफोर्स कर चुकी है और 3000 से ज्यादा घंटे हम उड़ चुके हैं। करीब 160 इंटरनेशनल मिशंस कर चुके हैं, जिस वजह से हम हर जगह से ऑक्सीजन टैंकर्स, जो पहले अगर डोमेस्टिक में 2 से 3 दिन लगते थे, हम उसको 2 से 3 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं सर। और इंटरनेशनल मिशंस में भी विदिन 24 आवर्स कंटिन्यूअस राउंड द क्लॉक ऑपरेशन करके पूरी एयरफोर्स इसमें लगी हुई है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने ज्यादा टैंकर ला सकें और देश की मदद कर सके सर।
कैप्टन, आपको इंटरनेशनल में अभी कहाँ कहाँ दौड़ भागना पड़ा? सर शॉर्ट नोटिस पे हमें सिंगापुर, दुबई, बेल्जियम, जर्मनी और यूके, ये सब जगह पे डिफरेंट फ्लीट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सर, IL-76, C-17 और बाकी सारे विमान गए थे, C-130, जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये मिशन प्लान करके हमारी ट्रेनिंग और जोश की वजह से हम टाइमली इन मिशन को कम्प्लीट कर पाए सर। देखिए, इस बार देश गर्व अनुभव करता है कि जल हो, थल हो, नभ हो, हमारे सारे जवान इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हैं और कैप्टन आपने भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है, तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूं। सर थैंक यू सो मच सर, हम अपनी पूरी कोशिश में जी जान के साथ लगे हुए हैं और मेरी बेटी भी मेरे साथ है सर, अदिति। अरे वाह। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते बेटी, नमस्ते। अदिति आप कितने साल की हैं? मैं 12 साल की हूँ और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो ये पिताजी बाहर जाते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं। हाँ, उनके लिए मुझे बहुत प्राउड लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि वो इतना सब महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो सारे कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी मदद इतनी ज्यादा कर रहे हैं और इतने सारे देशों से ऑक्सीजन टैंकर्स ला रहे हैं, कंटेनर्स ला रहे हैं। लेकिन बेटी तो पापा को बहुत मिस करती है ना? हाँ, मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें। वो आजकल ज्यादा घर पे रह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहे हैं और कंटेनर्स और टैंकर्स उनके प्रोडक्शन प्लांट्स तक पहुंचा रहे हैं ताकि जो कोरोना पीड़ित लोग हैं उनको टाइमली ऑक्सीजन मिल सके और उनकी जान बच सके। तो बेटा, ये जो ऑक्सीजन के कारण लोगों की जान बचाने वाला काम तो अब घर घर में लोगों को पता चला है। जब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, तुम्हारे साथी स्टूडेंट जानते होंगे तुम्हारे पिताजी ऑक्सीजन की सेवा में लगे हैं, तो तुम्हारे प्रति भी बड़े आदर से देखते होंगे लोग। हाँ, मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तुम्हारे पापा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और तुम्हें भी बहुत प्राउड लगता होगा, और तब मुझे इतना ज्यादा गर्व अनुभव होता है। और मेरी जो सारी फैमिली है, मेरे नाना नानी, दादी, सब लोग भी मेरे पापा के लिए बहुत प्राउड है। मेरी मम्मी और वो लोग भी डॉक्टर्स हैं, वो लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं, और सारी आर्म फोर्सेस, मेरे पापा के सारे स्क्वाड्रन के अंकल्स और सारी जो फोर्सेस हैं, सब लोग, सारी सेना बहुत काम कर रही है। और मुझे यकीन है कि सबकी कोशिशों के साथ हम लोग कोरोना से ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटी जब बोलती है ना तो उसके शब्दों में सरस्वती विराजमान होती है, और जब अदिति बोल रही है कि हम जरूर जीतेंगे तो एक प्रकार से ये ईश्वर की वाणी बन जाती है। अच्छा अदिति, अभी तो ऑनलाइन पढ़ती होगी? हाँ, अभी तो हमारे सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और अभी हम लोग घर पे भी सारे फुल प्रिकॉशंस ले रहे हैं, और कहीं अगर बाहर जाना है तो फिर डबल मास्क पहन के और सब कुछ, सारे प्रिकॉशंस और पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी क्या हॉबीज है, क्या पसंद है? मेरी हॉबीज है कि मैं स्विमिंग और बास्केटबॉल करती हूँ, पर अभी तो वो थोड़ा बंद हो गया है, और इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस के दौरान मैंने बेकिंग और कुकिंग का बहुत ज्यादा मुझे शौक है, और मैं अभी सारे बेकिंग और कुकिंग करके जब पापा इतना सारा काम करके आते हैं तो मैं उनके लिए कुकीज और केक बनाती हूँ। वाह वाह वाह, चलिए बेटा, बहुत दिनों के बाद तुम्हें पापा के साथ समय बिताने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। और कैप्टन, आपको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन जब मैं कैप्टन को बधाई देता हूँ मतलब सिर्फ आपको ही नहीं, सारे हमारे फोर्सेस, जल, थल, नभ, जिस प्रकार से जुटे हुए हैं, मैं सबको सबको सैल्यूट करता हूँ। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। साथियों, वाकई हमारे इन जवानों ने, इन वॉरियर्स ने जो काम किया है, इसके लिए देश इन्हें सैल्यूट करता है। इसी तरह लाखों लोग दिन रात जुटे हुए हैं, जो काम वो कर रहे हैं वो उनके रूटीन काम का हिस्सा नहीं है। इस तरह की आपदा तो दुनिया पर 100 साल बाद आई है, एक शताब्दी के बाद इतना बड़ा संकट, इसलिए इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। सामान्य दिनों में हमारे यहां एक दिन में
900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मैट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हमारे वॉरियर्स देश के दूर सुदूर कोने तक पहुंचा रहे हैं। होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी ये लैब टेक्नीशियन का काम सामान्य संजोगों में एक है और ऐसी पेंडेमिक स्थिति में दूसरा है, और वो आप कर रहे हैं तो काम के घंटे भी बहुत बढ़ गए होंगे। रात रात लैब में निकालना पड़ता होगा क्योंकि इतना करोड़ों लोगों का टेस्टिंग हो रहा है तो बोझ भी बड़ा होगा, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए भी सावधानी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं सर। हमारे ILBS की जो लैब है वो WHO से मान्यता प्राप्त है, तो जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो इंटरनेशनल के हैं। हम त्रिस्तरीय जो हमारी पोशाक है उसमें हम जाते हैं लैब में और उसी में हम काम करते हैं, और उसका पूरा डिस्कार्डिंग का, लेबलिंग का और उनको टेस्टिंग का एक पूरा प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। तो सर ये भी ईश्वर की कृपा है कि मेरा परिवार और मेरे जानने वाले अधिकतर जो अभी तक इस संक्रमण से बचे हुए हैं। तो एक चीज है कि अगर आप सावधानी रखते हैं और संयम बरतते हैं तो आप थोड़ा बहुत इसे बचे रह सकते हैं। प्रकाश जी, आप जैसे हजारों लोग पिछले एक साल से लैब में बैठे हैं और इतनी जहमत कर रहे हैं, इतने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जो देश आज जान रहा है, लेकिन प्रकाश जी मैं आपके माध्यम से आपकी बिरादरी के सभी साथियों को हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ, देशवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। और आप स्वस्थ रहिए, आपका परिवार स्वस्थ रहे, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। धन्यवाद भैया। साथियों, एक प्रकार से बात तो मैंने भाई प्रकाश जी से की है, लेकिन उनकी बातों में हजारों लैब टेक्नीशियंस की सेवा की सुगंध हम तक पहुंच रही है। इन बातों में हजारों लाखों लोगों का सेवा भाव तो दिखता ही है। हम सभी को अपने जिम्मेदारी का भी बोध होता है। जितनी मेहनत और लगन से भाई प्रकाश जी जैसे हमारे साथी काम कर रहे हैं, उतनी ही निष्ठा से उनका सहयोग कोरोना को हराने में बहुत मदद करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी हम हमारे कोरोना वॉरियर्स की चर्चा कर रहे थे। पिछले 1.5 सालों में हमने उनका खूब समर्पण और परिश्रम देखा है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका देश के कई क्षेत्रों अनेक वॉरियर्स की भी है। आप सोचिए, हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा। कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा, सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि प्रगति भी की, आगे भी बढ़ी। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को MSP से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। साथियों, आज हमारे देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगरतला के किसानों को ही लीजिए, ये किसान बहुत अच्छे कटहल की पैदावार करते हैं। इनकी मांग देश विदेश में हो सकती है, इसलिए इस बार अगरतला के किसानों के कटहल रेल के जरिए गुवाहाटी तक लाए गए। गुवाहाटी से ये कटहल लंदन भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को GI टैग भी दिया था, ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी
हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। दक्षिण भारत में विजयनगरम के आम के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अब भला ये आम कौन नहीं खाना चाहेगा, इसलिए अब किसान रेल सैकड़ों टन विजयनगरम आम दिल्ली पहुंचा रही है। दिल्ली और उत्तर भारत के लोगों को विजयनगरम आम खाने को मिलेगा और विजयनगरम के किसानों को अच्छी कमाई होगी। किसान रेल अब तक करीब करीब 2,00,000 टन उपज का परिवहन कर चुकी है। अब किसान बहुत कम कीमत पर फल, सब्जियां, अनाज देश के दूसरे सुदूर हिस्सों में भेज पा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। साथियों, मुझे कितने ही देशवासियों के संदेश, उनके पत्र देश के कोने कोने से मिलते हैं। कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गांव में पहली बार बिजली पहुंची है, उनके बेटे बेटियां उजाले में, पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गांव अब पक्की सड़क से शहर से जुड़ गया है। मुझे याद है, एक आदिवासी इलाके से कुछ साथियों ने मुझे संदेश भेजा था कि सड़क बनने के बाद पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वो भी बाकी दुनिया से जुड़ गए हैं। ऐसे ही कहीं कोई बैंक खाता खुलने की खुशी साझा करता है, तो कोई अलग अलग योजनाओं की मदद से जब नया रोजगार शुरू करता है तो उस खुशी में मुझे भी आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने के बाद गृह प्रवेश के आयोजन में कितने ही निमंत्रण मुझे हमारे देशवासियों की ओर से लगातार मिलते रहते हैं। इन 7 सालों में आप सबकी ऐसी करोड़ों खुशियों में मैं शामिल हुआ हूं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से एक परिवार ने जल जीवन मिशन के तहत घर में लगे पानी के नल की एक फोटो भेजी। उन्होंने इस फोटो का कैप्शन लिखा था, मेरे गांव की जीवन धारा। ऐसे कितने ही परिवार है। आजादी के बाद 7 दशकों में हमारे देश के केवल 3.5 करोड़ ग्रामीण घरों में ही पानी के कनेक्शन थे, लेकिन पिछले 21 महीनों में ही 4.5 करोड़ घरों को साफ पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें से 15 महीने तो कोरोना काल के ही थे। इसी तरह का एक नया विश्वास देश में आयुष्मान योजना से भी आया है। जब कोई गरीब मुफ्त इलाज से स्वस्थ होकर घर आता है तो उसे लगता है कि उसे नया जीवन मिला है। उसे भरोसा होता है कि देश उसके साथ है। ऐसे कितने ही परिवारों का आशीर्वचन, करोड़ों माताओं का आशीर्वाद लेकर हमारा देश मजबूती के साथ विकास की ओर अग्रसर है। साथियों, इन 7 सालों में भारत ने
डिजिटल लेन देन में दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। आज किसी भी जगह जितनी आसानी से आप चुटकियों में डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, वो कोरोना के समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। आज स्वच्छता के प्रति देशवासियों की गंभीरता और सतर्कता बढ़ रही है। हम रिकॉर्ड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित कर रहे हैं और रिकॉर्ड सड़कें भी बना रहे हैं। इन 7 वर्षों में ही देश के अनेकों पुराने विवाद भी पूरी शांति और सौहार्द से सुलझाए गए हैं। पूर्वोत्तर से लेकर कश्मीर तक शांति और विकास का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, क्या आपने सोचा है ये सब काम जो दशकों में भी नहीं हो सके, इन 7 सालों में कैसे हुए? ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 सालों में हमने सरकार और जनता से ज्यादा एक देश के रूप में काम किया, एक टीम के रूप में काम किया, टीम इंडिया के रूप में काम किया। हर नागरिक ने देश को आगे बढ़ाने में एकाध एकाध कदम आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हां, जहां सफलताएं होती हैं वहां परीक्षाएं भी होती हैं। इन 7 सालों में हमने साथ मिलकर ही कई कठिन परीक्षाएं भी दी है और हर बार हम सभी मजबूत होकर निकले हैं। कोरोना महामारी के रूप में इतनी बड़ी परीक्षा तो लगातार चल रही है। ये तो एक ऐसा संकट है जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया है। कितने ही लोगों ने अपनों को खोया है। बड़े बड़े देश भी इसकी तबाही से बच नहीं सके हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने पहली वेव में भी पूरे हौसले के साथ लड़ाई लड़ी थी। इस बार भी वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई में भारत विजयी होगा। 2 गज की दूरी, मास्क से जुड़े नियम हो या फिर वैक्सीन, हमें ढिलाई नहीं करनी है। यही हमारी जीत का रास्ता है। अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो देशवासियों के कई और प्रेरणादायक उदाहरणों पर बात करेंगे और नए विषयों पर चर्चा करेंगे। आप अपने सुझाव मुझे ऐसे ही भेजते रहिए। आप सभी स्वस्थ रहिए, देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी कोरोना की सेकेंड वेव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है, मुझसे मन की बात के कई श्रोताओं ने नमो ऐप पर और पत्र के द्वारा इन वॉरियर्स के बारे में चर्चा करने का आग्रह किया है, जिन लोगों ने आगे बढ़कर राहत। इन इवत्तिन मन की बात अल्ली प्रधान नरेंद्र मोदी अवरु कोरोना वॉरियर्स नमगोस्कर याव तर दुडीता इदारे, निस्वार्थ सेवेयन्न माड्ता इदारे, जीवद हंगन्न तोरेदु तम्म सेवेयन्न सल्लिस्ता इदारल्ल, सो अदर बग्गे माहिति कोट्टु मत्ते कोरोना वॉरियर्स गळन्नु कूड मात्नाडिसिद्रु, मत्ते ई मुखांतर ओंदु संदेशवन्नु कूड कोट्रु। ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸದಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ, ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನಸೇವೆಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ. ಸಭಿ ಏಕ್ ಸಾಥ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಇಸ್ ಆಪದಾ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಜುಟೆ ಹುಯೆ ಹೈ. ಮೈ ಉನ್ ಸಭಿ ಲೋಗೋ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಅಪ್ನಿ ಸಂವೇದನಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಅಪ್ನೆ ಕರೀಬಿಯೋ ಕೋ ಖೋಯಾ ಹೈ. ಹಮ್ ಸಭಿ ಇಸ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಘಡಿ ಮೇ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಜಬೂತಿ ಸೇ ಖಡೆ ಹೈ ಜಿನ್ಹೋನೆ ಇಸ್